हेलो डी स्टूडेंट, मैं सपना चौहान आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने वाली हूँ। हाइड्रोकार्बन मेनली एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन होते हैं। ये तीनों बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी टॉपिक हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन्स को कैलकुलेट करने के लिए मैनली थ्री फार्मूला होते हैं। फर्स्ट होता है एल्कीन, सेकंड होता है एल्कीन, थर्ड होता है एल्काइन। एल्कीन के लिए फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन के लिए फार्मूला होता है CnH2n, एल्काइन के लिए फार्मूला होता है CnH2n-2। इन तीनों फार्मूला में 2 का डिफरेंस होता है, यहाँ पर +2 होता है, यहाँ पर वो 2 नहीं होता है और यहाँ पर -2 हो जाता है। तो तीनों फार्मूला में 2 का डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करें हम एल्केन की। एल्केन में लास्ट में होता है AnE, इसका मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनेंगे उन सभी के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वे सारे कंपाउंड कहलाएंगे एल्केन कंपाउंड। एल्कीन में लास्ट में होता है ENE, इनका मीनिंग होता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, वो कहलाएगा एल्कीन कंपाउंड। थर्ड होता है एल्काइन, लास्ट में होता है YNE, इसका मीनिंग होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो कहलाएगा एल्काइन कंपाउंड। अब हम बात करेंगे यहाँ फार्मूला में जो N होता है, N के प्लेस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर कार्बन के लिए एक नंबरिंग चलती है, जैसे n इक्वल टू अगर 1 है तो उसके लिए लिखते हैं मैथ, n इक्वल टू 2 है उसके लिए लिखेंगे एथ, ऐसे आगे प्रोप, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ऐसे नंबरिंग चलती जाती है। अब हम बात करेंगे एल्केन की। हमने इसका फॉर्मूला पहले ही देख लिया है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा C1H2 × 1+2। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर होगा CH4। अब यहाँ पर कार्बन एक है तो हमने पहले ही नंबरिंग देख ली है, कार्बन एक के लिए वर्ड यूज करते हैं मैथ। अब यहाँ पर ये एल्केन कंपाउंड है तो यहाँ पर इसका पूरा नाम हो जाएगा मिथेन। ऐसे ही n इक्वल टू 2 है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा C2H6। दो कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं इथ, यहाँ पर एल्केन कंपाउंड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन। ऐसे आगे भी नंबरिंग चलती जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट आएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। अब हम यहाँ पर इथेन और प्रोपेन की स्ट्रक्चर देख लेंगे। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। यहाँ पर दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये इथेन कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड वाले, और यहाँ पर इससे जुड़े होते हैं 6। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर भी तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और इनसे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। जब इसको कैलकुलेट करेंगे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा CH2। अब यहाँ पर भी एक कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका नाम हो जाएगा मिथीन। यहाँ पर एक कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे मिथ, और यहाँ पर एल्कीन कंपाउंड है तो इसके लास्ट में लग जाएगा n, तो उसका नाम हो जाएगा मिथीन। ऐसे n इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर कार्बन हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। दो कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं इथ, यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा ENE, इसका नाम हो जाएगा इथीन। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में हो जाएगा प्रोपीन, और इसके आगे भी चलता जाएगा ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे नंबरिंग चलती जाती है। अब यहाँ पर हम कुछ की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इथीन, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया है कि जहाँ पर ENE हो, एल्कीन कंपाउंड हो, उनमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रोपीन की स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला होता है प्रोपीन, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन, दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आ गया है, और इधर आ गया है सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आ गया है। ये भी कौन सा कंपाउंड है? एल्कीन कंपाउंड। नाउ हम थर्ड देखेंगे एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे, जब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा 1 लेकिन हाइड्रोजन हो जाएंगे 0, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए n इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे n इक्वल टू 2 से। जब n इक्वल टू 2 रखते हैं, जब इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आता है C2H2। अब यहाँ पर कार्बन 2 है तो इसका नाम होगा इथ, और ये
ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, तो यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा वाई एन ई, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। वैसे ही नेक्स्ट वाले में एन इक्वल टू थ्री रखेंगे, इसका हो जाएगा सी थ्री एच फोर। यहाँ पर तीन कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ऐसे भी आगे नंबरिंग चलती जाएगी, ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन ऐसे चलती जाती है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इथाइन की फॉर्मूला होता है सी टू एच टू। यहाँ पर हमको पता है कि वाई एन ई में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होगी सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। प्रोपाइन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन तीन होते हैं, हाइड्रोजन फोर होते हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर